ना तो मार्केट बाय में, हाँ जी, ना तो मार्केट बाय में ना सेल, कहीं पर भी नहीं है। यस, अब जरा इसे बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं। बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है जरा बताएं। सपोर्ट, सपोर्ट सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा है, राइट? अभी देखो कहां आ रहा है, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। लेकिन इसका सपोर्ट अभी बना नहीं है। अगर आप देखोगे तो मार्केट का भी सपोर्ट डेवलप नहीं हुआ। वेट एंड वॉच, यहां पर क्या होता है, आप 5 मिनट में जाइए और देखिए मार्केट क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। देखिए दोनों में क्या, दोनों का लो ब्रेक कर रहा है मार्केट, देखो। अच्छा बाय बनी है, पहले बताओ क्या बाय बनी है मेरी, हाँ या ना? नहीं बनी। बाय तो नहीं बनी ना। अगर बाय नहीं बनी तो क्या मैं बाय ले लूं जबरदस्ती, हाँ या ना? अगर बाय नहीं बन रही तो क्या मैं जबरदस्ती बाय ले लूं कहीं पर? नो सर, नहीं लेनी चाहिए, आराम से बैठना चाहिए। जब आपको बाय मिलेगी तब बाय लेना, अभी कोई बाय है नहीं। और बाय आएगी मिनिमम इसके ऊपर, तो अभी हमारा कोई बाय का सीन बिल्कुल भी नहीं है, तो हम बाय तो नहीं करने वाले। तो अभी आराम से बैठते हैं और देखते हैं मार्केट यहां पर क्या करेगा। जबरदस्ती नहीं करनी मार्केट के साथ में, मार्केट को चलने दो जहां पर जाएगा। बाय बन सकती थी हमारी, लेकिन अभी बाय है नहीं। बाय आएगी तो इसके ऊपर, और मार्केट को अपनी बाय बना लेने दो तसली से। तब तक मार्केट के अंदर बाय मत पकड़ना जब तक आ ना जाए। वे मॉर्निंग मॉर्निंग देखो, जब तक बाय मत पकड़ना जब तक ये बाय आ ना जाए, और अभी ये बाय आई नहीं है, बाय डेवलप ही नहीं मार्केट सेलिंग में दिखा रहे तो हम लोग वही आर वेटिंग फॉर दी बाइंग जोन सर। हुई। नहीं, हम ना तो बाय में ना सेल में, अब इसको समझो, मैं ना तो बाय में हूं ना सेल में हूं इस समय। देखो इस समय अगर मैं देखूंगा वन आर के अंदर, अब आप देख के बताइए ये मार्केट का बहुत प्यारा सपोर्ट है या नहीं है, यस और नो? देखिए नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, नंबर फाइव, बहुत प्यारा सपोर्ट है। मार्केट का सेल कहां पर है, ये देखो, मार्केट के सपोर्ट सिस्टम बैठे हुए हैं। तो क्या मैं यहां से सेल कर दूं, आप बताओ, यस और नो? अभी नहीं कर सकता ना, हो सकता है, मैं नहीं बोल रहा हूं सेल नहीं हो सकता, सेल हो सकता है, लेकिन अभी नहीं करूंगा मैं, क्योंकि मार्केट का बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम है। अगर मैं यहां पर 1 घंटे की बात करता हूं, देखो इसका भी बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम है, देख रहे हैं, इसका भी सपोर्ट सिस्टम बैठा हुआ है, तो मैं सेल नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी है। अभी वेट कर रहा हूं, इसीलिए मैं बाय का वेट कर रहा हूं कि मार्केट क्या करता है। मार्केट ने कोई भी अपना रिएक्शन नहीं दिया मेरे को, मेरे को यहां पर एक रिएक्शन चाहिए, और रिएक्शन क्या चाहिए कि मार्केट कहां जाता है, बाय में जाता है या सेल में जाता है, मेरे को इस बात पे थोड़ा सा चेक करना है। अभी थोड़ा सा रुक जाए यहां पर और वेट करें, क्या करने की कोशिश कर रहा है मार्केट? यस, अपसाइड जाने की कोशिश कर, अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है, राइट है? क्या मार्केट चला गया ये बताएं, अपसाइड? अब तक नहीं, अभी नहीं गया, हमें वेट, अच्छा हमें वेट कर लेनी चाहिए या नहीं बताओ? बिल्कुल करनी चाहिए सर, बिल्कुल करनी चाहिए हमें वेट। वेट करेंगे तो मार्केट हमारा, भाई मार्केट का एक सपोर्ट सिस्टम बना हुआ है, वो सपोर्ट सिस्टम हमारे लिए बोल रहा है कि भाई आप बाय करके रखो मार्केट को, मार्केट अच्छा खासा ऊपर जा सकता है, यही तो मार्केट बोल रहा है मेरे को। यस, यही हो रहा है, कैसे ट्रेडर गलत हो सकता है, मार्केट नहीं, मार्केट अपना मूव पे चलेगा आराम से, और मार्केट को चलने दो, मार्केट अपना मूव लेगा आराम से, और तब आराम से चल भी पाएगा। देखो मार्केट क्या कर रहा है, यस, क्या दिख रहा है मार्केट में आपको? सर एक पूछना था, हाँ जी, जब वो 5 मिनट चार्ट पे निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी फ्यूचर दोनों भी अच्छे सपोर्ट पे थे 5 मिनट्स या आर्ली पे, मतलब थोड़ा बड़ा चार्ट पे, तो हम उस टाइम पे एग्रेसिव बाय ले सकते थे क्या? हम भी ले सकते थे, लेकिन देखो वो गलत हो सकता है ना, एक है एग्रेसिव बाय लेना और एक है नॉर्मल बाय लेना, दोनों भाई दोनों में फर्क है। देखो यहां पर मेरे को पता नहीं था ना मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर, आप बताओ,
राइट है। अभी आपने मेरे से अभी भाई ये भी पूछा था कि जब हम मार्केट सेलिंग में है तो हम सेल क्यों नहीं कर रहे, ये बोला ना आपने, राइट है। मैं सेल क्यों नहीं कर रहा, मैंने बोला बहुत बड़ा सपोर्ट बैठा है, मैं क्यों सेल करूं, गॉट इट ना। तो कभी भी पहले मिस्टेक हमें नहीं करनी कि मार्केट अगर सपोर्ट पे बैठा है तो मैं सेल नहीं करूंगा, मार्केट अगर सपोर्ट पे बैठा है तो मेरे को सेल नहीं करनी किसी भी कंडीशन में, क्योंकि मार्केट मेरे को वहां से नुकसान दे सकता है बड़ा, राइट है। तो मैं वहां पर सेल करने का इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं हूं, नंबर एक। दूसरी बात, मार्केट का बाय कहां पर होगा, अगर मार्केट का बाय होना है तो मार्केट कौन सी जगह पर, इस मैंने बोला ना यहां बाय होगा इस एनवेव के ऊपर। अब जरा चेक कीजिए, अब दोबारा से वापस पॉइंट पे आते, क्या मार्केट 10 के मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया, हाँ या ना, यस क्या आ गया? अभी देखो ये नहीं आया, ये नहीं आया बैंक निफ्टी, राइट है, और निफ्टी ने ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। तो अब मेरे को क्या चाहिए, जब 10 के ऊपर आएगा तो मेरे को एक पार्ट और भी चाहिए, एक तो 10 के ऊपर आए, या सीधा सीधा आप बोल सकते हो कि पिवोट के ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे दे, वो सही रहेगा कि नहीं? यस, मार्केट का एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट होगा। अभी तो मार्केट बगैर सपोर्ट के घूम रहा है, देखो बगैर सपोर्ट के कोई सपोर्ट ही नहीं है। अब मार्केट अपना सपोर्ट सिस्टम डेवलप करेगा, तो मार्केट का पहले अगर मार्केट नीचे चल रहा है तो उसका सपोर्ट सिस्टम डेवलप होना बहुत जरूरी है। अब मार्केट में हम क्या देख रहे हैं, आज का ओपन कहां पर है, आज का ओपन कहां पर है जरा देख के बताएं मेरे को प्लीज, आज का ओपन कहां पर है, ये 13 है और आज का ओपन है यहां पर, राइट है। अगर मैं यहां पर भी बात करता हूं इसको भी, तो जरा यहां पर भी ओपन लगाइए, राइट, सिंपल। आज का ओपन मार्केट का कहां पर है, ये रहा, ये भी ओपन के ऊपर है यहां पर, और अब देख रहे हैं हम मार्केट क्या पिवोट के ऊपर चलने की कोशिश कर रहा है दोनों जगह। यस, दोनों में क्या दिखाई दे रहा है आपको, जल्दी से बताएं दोनों में क्या दिखाई दे रहा है। ये देखो पिवोट के ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है और 10 के ऊपर है, और यहां पर क्या है, यहां पर ना तो पिवोट के ऊपर है ना 10 के मूविंग एवरेज के ऊपर है, कहीं पर भी नहीं है ना। तो अब होना, अब क्या होना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, कोई बताए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जल्दी से। मार्केट या तो ये नीचे आएगा और या ये 10 के मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा, ये तो होगा, दोनों में से एक केस होगा। और मेरे को क्या चाहिए, यस मुझे क्या चाहिए, कोई बताए, मुझे तो दोनों के दोनों 10 के ऊपर चाहिए, राइट है। अब वेट करते हैं, दोनों को देखते हैं क्या होता है, 5 मिनट देखिए मेरा बाय कहां पर है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, मेरा बाय इसके ऊपर है, इसके ऊपर एन वेव के ऊपर मेरा बाय है, ये एन वेव है, बैंक निफ्टी की एन वेव ये है और निफ्टी की एन वेव ये है। तो निफ्टी तो चल दिया ऊपर, निफ्टी चल दिया ऊपर, अब हमें क्या वेट करना है कि निफ्टी की, निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसे मूव करते हैं, अभी भी मेरे को देखना है। देखो निफ्टी ऊपर आ रखा है लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी पिवोट के ऊपर नहीं है, बैंक निफ्टी सपोर्टिव नहीं हो रहा है, तो बैंक निफ्टी को सपोर्टिव होना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं बैंक निफ्टी सपोर्टिव होता है या नहीं होता, थोड़ा सा वेट कीजिए, 5 मिनट वेट कीजिए, 5-10 मिनट के अंदर ये बैंक निफ्टी भी आपको यहां मिलेगा, राइट है। अच्छा एक पॉइंट और, मैंने कल भी आपको एक पॉइंट समझाया था, ये ऊपर चलते हुए कहां टकराएगा जरा प्लीज बताएं, यहां कहां स्ट्राइक करेगा, इसका रेजिस्टेंस कौन सा मिलेगा, ये वाला लो, यही मिलेगा। और इसको कहां मिलता है अप्रोक्सीमेटली, ये दो, तो ये तो अपने लो को क्रॉस करके ऊपर बैठा है कि नहीं, लेकिन बैंक निफ्टी को अभी एक रेजिस्टेंस मिलना जरूरी है ना, बचा हुआ है। तो बैंक निफ्टी अगर पिवोट के ऊपर चलता भी है तो भी ये रेजिस्टेंस क्रॉस करना पड़ेगा, तो ये पॉसिबल है कि यहां से कोई एनवेव बनाने की कोशिश करे। अब देखते हैं क्या होता है, दोनों को वेट करते हैं क्या होने वाला है, अभी आराम से वेट कर रहे हैं। अब अगर निफ्टी यहां जाके बैठ जाता है, किसी कैंडल को इसके ऊपर क्लोज करता है, तो निफ्टी हो जाएगा बाय में, राइट है। और बैंक निफ्टी अभी नहीं है, बैंक निफ्टी अभी मूवमेंट शुरू करेगा, अभी वेट करना है। देखो वेट करो आराम से, आपको दिखेगा क्या होने वाला है, जबरदस्ती नहीं, मार्केट को समझो और समझ के काम करना है। नीचे से हम सेल उठा सकते थे, लेकिन अगर सेल उठाए होते तो नुकसान पड़ता कि नहीं बताओ, यस अच्छा नुकसान पड़ता सेल उठाने में या नहीं पड़ता, बताए सर, यस सर, क्या देखने को मिलता बताओ, बड़ा नुकसान होता। अभी क्या करना है आपको, यही काम नहीं करना, बस आपको आराम से बैठो और देखो मार्केट क्या करता है।
अब चूंकि मार्केट ने अपना सपोर्ट पकड़ने की कोशिश की है तो बैंक निफ्टी का सपोर्टिव नहीं मिल रहा, बैंक निफ्टी नहीं है सपोर्टिव अभी। अब अगर ये बताओ बैंक निफ्टी भी सपोर्ट पे आ जाए तो क्या होगा, आ जाए अगर तो क्या होगा, मार्केट शूट करेगा आराम से, यस और नो? तब मार्केट कर जाएगा शूट तेजी से या नहीं, बताओ जल्दी से, यस और नो? यस। तो मार्केट को अब हमें वेट करना है कि मार्केट क्या शूट करता है या नहीं करता है, थोड़ा सा वेट करें, वेट एंड वॉच आराम से क्या करता है मार्केट, मार्केट को वेट कराने दो, मार्केट को चलने दो, मार्केट आपका मुंह अपने आप देगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मार्केट को चलना अपने आप है। देखो क्या मैं मार्केट को नीचे ले जा सकता था, नहीं, मेरी कोई हैसियत नहीं है मैं मार्केट को नीचे ले जाऊं। क्या मैं मार्केट को ऊपर ले जा सकता हूं, नहीं। हम कर क्या सकते हैं, हम केवल मार्केट को प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं कि नहीं, यस और नो? हम मार्केट की केवल और केवल प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं कि मार्केट क्या करने वाला, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। अब मार्केट का क्या होने वाला है, देखो हमने बोला कि ठीक है मार्केट के नीचे सपोर्ट है इसलिए मार्केट को नीचे जाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, ये हमने बोला था कि मार्केट को नीचे जाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ सकता है। अब दूसरा केस, अब ऊपर जाने के लिए क्या केस है, हमने बोला 10 के ऊपर मिनिमम सपोर्ट लेना चाहिए, जबकि निफ्टी 10 के ऊपर सपोर्ट लिए बैठा है, बैंक निफ्टी ने अभी लिया ही नहीं है सपोर्ट। देखो अगर पिवोट की बात करते हैं तो भाई दोनों को पिवोट के ऊपर आना चाहिए, पिवोट मिनिमम बाय होती है, तो निफ्टी तो पिवोट के ऊपर बैठा है लेकिन बैंक निफ्टी नहीं बैठा है, बैंक निफ्टी अपने 10 के ऊपर मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है जबकि बैंक निफ्टी अपने हाई के ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, दोनों का एक मूव है। अब अगर ये सपोर्ट ले लेता है ऊपर या ये पिवोट का सपोर्ट ले लेता है और ये हाई को क्रॉस करता है तो भी एक बड़ा मूव मिल सकता है। अब देखते हैं मार्केट क्या करेगा, मार्केट अपने 10 के ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, देखो अभी आया तक भी नहीं, और जबकि निफ्टी सपोर्टिव बैठा हुआ है, निफ्टी सपोर्टिव है, बैंक निफ्टी अभी भी सपोर्टिव भी है, तो मेरे को वेट करना है कि जब बैंक निफ्टी भी सपोर्टिव होगा तो मार्केट में एक बाय मेरे को दिख जाने वाला है, वहां पर मेरा एक बाय आ जाए, तो मेरे को थोड़ा सा वेट करना है और उस वेट में मेरे को बस अपना बाय करके छोड़ना है, राइट है? उस जगह पर आप बाय कर लीजिएगा, अभी बाय नहीं आई, वेट एंड वॉच। अभी मार्केट बाय में नहीं आए, यस आ गया क्या बाय में, बताएं? नहीं अब तक नहीं, अभी नहीं आए, वेट कर रहे। अच्छा ये बताइए चांसेस किसके हैं, यस एनीवन, चांसेस किसके हैं बाय में जाने के, सेल में जाने के, चांसेस किसके दिख रहे हैं? चलो अभी वेट करते हैं, वेट कर रहे हैं अभी तो, किसके चांसेस है? चलो प्रोबेबिलिटी, निफ्टी का हाई चांसेस है बाय में जाने, निफ्टी के हाई ब्रेक होने के चांसेस हैं और बैंक निफ्टी ने अब 10 का सपोर्ट पकड़ा है। अब अगर बैंक निफ्टी भी पिवोट के ऊपर आ जाए तो एक सपोर्ट सिस्टम डेवलप हो जाएगा, यस हो जाएगा तब, यस सर, तब मार्केट आराम से ऊपर चल पाएगा या नहीं, ये तो मतलब हुआ। तो अब थोड़ा सा वेट करके देखो, निफ्टी नीचे आ रहा है, निफ्टी नीचे आ रहा है, और ये क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर निफ्टी ऊपर निकल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है कि निफ्टी पूरा शूट कर जाए और बैंक निफ्टी यही बैठा रहे, ऐसा रेयर केस होगा। तो अब क्या होगा दोनों के केस में, निफ्टी जो आपके पास है वो क्या करेगा, यहां पर थोड़ी देर वेट कराएगा जिससे ये ऊपर आ जाए, इसको थोड़ा सा वेट कराएगा, तो निफ्टी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा यहां पर जिससे इसको टाइम मिल जाए इसके ऊपर आने का। अभी देखते हैं, देखो क्या होगा, वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच पे चले और देखें क्या करता है अभी मार्केट, आराम से देखें। अभी मार्केट कोई एन वेव डेवलप करेगा, यहां से मार्केट अपने टायर से बोलो कि टाइम स्पेंड करेगा थोड़ा सा जिससे कि बैंक निफ्टी भी ऊपर आ जाए, लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है कि अभी निफ्टी तो सपोर्ट के ऊपर है, बैंक निफ्टी नहीं है, लेकिन अगर निफ्टी भी नीचे आ गया और बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी नीचे है तो फिर मार्केट अपने लो की तरफ को चल सकता है, ये सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है? तो अब हमें थोड़ा सा अवेयर, ऐसा नहीं कि मार्केट बाय बाय में है, हमें थोड़ा सा अवेयर भी रहना पड़ेगा।
तो ये कैंडल ऊपर क्लोज होनी चाहिए और बैंक निफ्टी को इसके ऊपर ही ऊपर कहीं रहना चाहिए, राइट है? मतलब ये कैंडल जो है नीचे क्लोज नहीं होनी चाहिए, नीचे क्लोज होगी तो हमें थोड़ा इश्यू हो सकता है। तो अब हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी का रिएक्शन क्या है, दोनों का रिएक्शन हम चेक कर रहे हैं और बैठे। जब आपका एक बाय कब डेवलप होता है, बाय डेवलप कब होता है, जब निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों सपोर्ट पे आते हैं। तो ये देखो बहुत अच्छा पॉइंट आपके लिए बन रहा है कि निफ्टी का भी पिवोट पॉइंट आ रहा है, बैंक निफ्टी का भी आ रहा है। तो अगर निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही पिवोट के ऊपर आके बैठ जाते हैं तो एक अच्छा सपोर्ट डेवलप हो जाएगा, फिर मार्केट आराम से चल पाएगा। अभी मेरे को क्या चाहिए, अभी मेरे को केवल ये वाली कैंडल ऊपर चाहिए बस। और इसके लिए निफ्टी अपना थोड़ा टाइम स्पेंड यहां पर कर सकता है। ऐसा हो सकता है, चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, क्या ऐसा हो सकता है मार्केट अपने 50% या 61% तक आके ऊपर चला जाए एनवे बना के? यस यस सर, क्या पॉसिबल है ऐसा? बिल्कुल है, हो सकता है ऐसे। क्या ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट अपने लो को ब्रेक करके नीचे गिर जाए? यस, क्या ऐसा भी पॉसिबल है? बिल्कुल है, हो सकता है। दोनों प्रोबेबिलिटी पे मेरे को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मार्केट क्या करने वाला है, राइट है? इसके नीचे मार्केट नहीं आना चाहिए, मार्केट इस लेवल के 50% तक आ सकता है, लेकिन नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। अगर क्लोजिंग होगी तो एक सेलिंग के प्रोबेबिलिटी बन सकती है, तो मेरे को वो नहीं चाहिए, राइट है? तो अब क्या होना चाहिए, निफ्टी की कैंडल वापस चली जानी चाहिए यहां से और बैंक निफ्टी ऊपर चलना चाहिए यहां से, ये प्रोबेबिलिटी बननी चाहिए। 50% तक आ सकता था मार्केट, हमें पता है यहां तक मार्केट एक बार को मूव कर सकता है। अब ये कैंडल कहां क्लोज होनी चाहिए, दोनों की कैंडल, देखिए आपका कैंडल अभी देख रहे हैं कहीं पर भी एक सपोर्टिव सिस्टम पे नहीं है और ये कैंडल नीचे क्लोज कर रही है। मेरे को वेट करना है अभी मार्केट क्या करता है। मार्केट अपनी रैली के अराउंड 50% पे बैठा हुआ है यहां से, और मेरे को चाहिए कि निफ्टी बैंक भी ऊपर चले जाए, निफ्टी भी ऊपर चले जाए, तो मेरा एक सपोर्ट सिस्टम बनेगा, तब मेरा कोई बाय बनेगा, उससे पहले कोई बाय है नहीं। तो मैं भी थोड़ा सा और वेट करूंगा, थोड़ा सा और वेट करूंगा। आप ऐसे भी बोल सकते हैं भाई लो ब्रेक करेगा तो आप बाइंग की तरफ से हट जाएंगे, और जब तक लो ब्रेक नहीं होता तब तक मैं बाइंग की तरफ बैठा हूं। तो अभी भी मैं बाइंग के मूड में रहूंगा, अभी मैं सेलिंग के मूड में नहीं रहूंगा जब तक मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे ना आ जाए, मतलब इस लेवल को ब्रेक करके नीचे ना आ जाए, तब तक मैं बाइंग साइड में ही बैठा। अब देखते हैं मार्केट क्या करता है, राइट है? देखते हैं मार्केट का रिएक्शन क्या है यहां पर, कहां से मार्केट अपनी बाई या सेल पकड़ता है, उस समय देखना। यही ये पॉइंट है जो आपको देखने होते हैं, अगर आप नहीं देखेंगे तो वो आपको नुकसान कर जाएगा। वहां पर यही पार्ट देखने हैं आपको, जब भी काम कर रहे हैं तो इनको जरूर देखें कि क्या कर रहा है मार्केट। जबरदस्ती कहीं पर बाय नहीं करनी, जबरदस्ती कहीं सेल नहीं करनी। अगर आप यहां पर देखोगे मार्केट अपना ये एन वेव बना रहा है, यहां पर से चेक कीजिए, मार्केट एक रिट्रेसमेंट में है इस समय। अब इस कैंडल के क्लोज होने का वेट करना है कि ये कैंडल कहां क्लोज होती है। नीचे अगर क्लोज होगी और लो को ब्रेक करेगी तो हम अपनी बाइंग से कट जाएंगे, हमारे पास कोई बाइंग तब नहीं रहेगी, राइट है? पर मार्केट यहां पर अभी एक का छोटा सा काम और कर सकता है, डबल बॉटम बना सकता है, डबल बॉटम। अब देखना है मार्केट क्या करता है, वेट करते हैं, वेट एंड वॉच कि मार्केट क्या करने वाला है, उसके हिसाब से हम आगे चलेंगे। अगर डबल बॉटम बनाएगा तो भी मार्केट का वेट करना है हमें, मार्केट ब्रेक करता है तो भी वेट करना है। सपोर्ट सिस्टम कहां पर बनता था हमारा, इसके ऊपर, और अभी यहां पर मार्केट गया नहीं, तो अभी हम वेट करेंगे कि क्या सपोर्ट सिस्टम बनता है या नहीं बनता है। अभी नहीं बना है मार्केट का सपोर्ट सिस्टम, हम वेट कर रहे हैं। डन, चेक कीजिए, अभी मार्केट कहीं नहीं गया, अभी कहीं नहीं गया, जबरदस्ती नहीं करनी मार्केट के साथ, मार्केट को चलने दो। अभी कितने बजे हैं, 10, ये बताएं मार्केट ने 10 बजे तक भी अपनी कोई डायरेक्शन पकड़ी है क्या, यस और नो? कोई भी डायरेक्शन है 10 बजे तक भी? एक घंटा होने को जा रहा है, कोई डायरेक्शन नहीं है, ना तो बाय की ना सेल की, तो हमें जबरदस्ती किसी बाय या सेल में जाना चाहिए क्या? नहीं, रुके रहो आराम से, मार्केट को अपनी डायरेक्शन पकड़ लेने दो। अगर मार्केट अपनी डायरेक्शन पकड़ेगा तब आपका कोई मूव बन सकता है। मार्केट की कोई डायरेक्शन ही नहीं है, नीचे इतना बड़ा सपोर्ट बैठा हुआ है, मार्केट गिर नहीं सकता वहां से, मार्केट का ऊपर सपोर्ट सिस्टम डेवलप नहीं हुआ तो मार्केट बाय भी नहीं जा सकता, तो मार्केट की मजबूरी है भी यहीं झूलते रहना,
लेकिन मार्केट अपने आप को बाय या सेल में डालेगा तो सही, हाँ या ना? नहीं डालेगा क्या? यही झूलता रहेगा मार्केट? मार्केट अभी थोड़ी देर में अपने आप को एक डिसीजन में डालेगा, या तो सेल की तरफ चलेगा या बाय की। मार्केट को चलने देना हमारा कोई काम नहीं, राइट है? मार्केट अपने आप, अगर मार्केट को ऊपर जाना है, अगर मार्केट को ऊपर जाना है, ये नीचे क्लोजिंग करेगा ही नहीं, ये अभी जाके यहां कहीं ऊपर क्लोजिंग कर देगा, या यहां क्लोजिंग करेगा और अगली कैंडल ऊपर चलेगी। और अगर इसको सेलिंग में जाना है तो ये अभी कैंडल को नीचे क्लोज करेगा दोनों को, और अपना सेलिंग की तरफ चलेगा। लेकिन सेलिंग में इसलिए एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, नीचे बड़े बड़े सपोर्ट बैठे हैं, बहुत बड़े सपोर्ट है, तो मार्केट एकदम से सेलिंग में नहीं जा सकता। तो इसलिए मेरी उम्मीद है कि मार्केट को कहीं ना कहीं अभी बाय की साइड देखनी चाहिए, राइट है? केवल ये मेरा अपना थॉट प्रोसेस है, ऐसा करना चाहिए मार्केट को। और अगर ऐसा होना है तो इस कैंडल को कहीं ऊपर क्लोजिंग में जाना चाहिए, राइट है? क्योंकि नीचे बड़ा सपोर्ट बैठा है, तो मैं इसको नीचे भी बड़ी सेलिंग एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि मार्केट में कोई बहुत बड़ी सेलिंग आ जाएगी, मेरे को नहीं लग रहा अभी ऐसे। तो मार्केट अपना बाय बना सकता है, और उसके लिए मार्केट क्या कर सकता है, यहां पर अपना एक डबल बॉटम बनाएगा, सिंगल बॉटम डबल बॉटम, सिंगल बॉटम डबल बॉटम, तो ये डबल बॉटम बनाएगा मार्केट। तो देखते हैं मार्केट क्या करता है, मैं तो अपनी प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं कि ऐसा कुछ शायद हो सकता है। वेट एंड वॉच, मार्केट को चलने दो और देखने दो मार्केट क्या करता है। अभी किसी भी प्रोसेस पे मार्केट नहीं है, ना तो सेल प्रोसेस पे ना बाय प्रोसेस पे, कहीं नहीं बैठा मार्केट। चलने दो अभी मार्केट को, इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे आप, थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम करो तो मार्केट क्या कर रहा है, कौन से लेवल पर बैठा है मार्केट, जरा प्लीज बताएं ये कौन सा लेवल है? 50% राइट है। अगर मैं यहां पर देखता हूं मार्केट को, देख हम तो वेट कर रहे हैं, देख रहे हैं ये कितना परसेंट है, अराउंड 61% के आसपास बैठा हुआ है, वेट करना है। इसके नीचे चलेगा तो हम सेल बोल सकते हैं, नीचे आपका सेल होगा, लेकिन अभी नहीं जा रहे क्योंकि अभी मार्केट का मूव मेरे को दिखा नहीं है, राइट है? वेट एंड वॉच, क्या करता है मार्केट, आराम से बैठो। मार्केट को कहने का मतलब ये है मूव ले लेना, तो जहां पर भी मार्केट जाएगा ना, ठीक है, जहां पर भी मार्केट जाएगा उसको मूव ले लेना दो आराम से, और जब आपको दिखे एक अच्छा मूव आ रहा तब एंट्री करो, जबरदस्ती नहीं। हाँ जी सर, ये एक घंटे के चार्ट में बैंक निफ्टी क्लाउड के अंदर आ गया है, मतलब बेसलाइन और दोनों, तो इसका क्या इंटरप्रिटेशन? देखो मार्केट को जाना ऊपर है, अगर मैं सही बताऊं मार्केट को जाना ऊपर है, मार्केट अभी धीरे धीरे करके ऊपर जाएगा, एकदम से ऊपर नहीं जाएगा। मार्केट में सारे एसएल काट के सबको रुला के तब ऊपर चलेगा ना, हाँ या ना? ऐसे तो ना चल जाएगा, ऐसे चल जाएगा तो आप पैसे नहीं कमा लोगे, बताओ? यस, मार्केट सबके पैसे खा के तब ऊपर जाता है। तो अभी क्या होगा, ये मार्केट देखो अभी क्या होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, मतलब मैंने आपको बोला एक डबल बॉटम मार्केट बना सकता है, यहां पर ये डबल बॉटम की तैयारी। आप देखते हैं मार्केट अगर डबल बॉटम कब कंफर्म होगा, जब मार्केट इसके ऊपर चला जाएगा, तो आपका डबल बॉटम कंफर्म हो जाएगा। इस मूव को भी आप चेक कर सकते हो क्या होगा, इसके ऊपर आपका एक बाय बनता है, राइट? अभी वेट करते हैं, मार्केट ने अभी भी कोई रिएक्शन नहीं दिया मेरे को, ना तो बाय का ना सेल का। निफ्टी ट्राई कर रहा है ऊपर जाने की, बैंक निफ्टी अभी भी देखो सुस्त बैठा है, कोई बाय नहीं बन सकती। लेकिन एक अच्छी बात आपके पास और क्या हुई, आपने देखा कि मार्केट ने अपने इस यहां से नीचे अपनी वेव बना दी, देख रहे हो? पहली वेव कौन सी थी, पहले वेव ये वाली बनी ऊपर वाली, हम इसके ऊपर बाय ढूंढ रहे थे, लेकिन मार्केट ने अब क्या किया, मार्केट ने एक नीचे भी लो बना दिया। अच्छा किया या खराब बताओ? अच्छा किया, राइट है? इसका मतलब अब मेरी जो बाय डेवलप होगी वो इसके ऊपर होगी, इसके ऊपर मेरी बाय डेवलप होगी। अब देखते हैं क्या होता है, हम केवल एज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा होगा, तो अब मेरी बाय यहां की बजाय शिफ्ट हो गई है यहां। अब देखते हैं कि क्या उसके ऊपर मार्केट चलता है या नहीं चलता है। अगर इसके ऊपर आएगा मार्केट तो अपना मार्केट एक सपोर्ट सिस्टम बनाए, लेकिन एक प्लस पॉइंट आपके पास क्या है कि निफ्टी की अगर मैं बात करता हूं तो निफ्टी की एल वेव और इसका पीवोट एक बराबर है ना, केवल समझ रहे, निफ्टी की एल वेव और निफ्टी का पीवोट एक बराबर है, मतलब अगर मार्केट अपने इसके एल वेव के ऊपर आता है तो मार्केट पीवोट के भी ऊपर आ जाएगा, यही तो मतलब हुआ,
वो तो मान ले अच्छा है, लेकिन बैंक निफ्टी का अगर मार्केट अब की बार इसके ऊपर चला तो क्या होगा? यस, आप अगर इसके ऊपर चला तो मार्केट को पीवोट के ऊपर जाने में आसानी होगी कि नहीं? सपोर्ट बना बना, समझ में आया कि नहीं आया? ये पॉइंट किसकी समझ में आया प्लीज बताओ, जल्दी से बताएं, ये वाला पॉइंट किसकी समझ में आया? मार्केट को पीवोट के ऊपर जाने में दिक्कत हो रही थी, दिक्कत हो रही थी, मार्केट ने अपना सपोर्ट सिस्टम बना दिया, अपना एनवे बना दिया, जिससे अगर मार्केट इसके ऊपर निकलेगा और पीवोट रिजेक्शन देता है तो ये सपोर्ट देगा कि नहीं बताओ? आया पॉइंट समझ में? ये सपोर्ट दे देगा, पीवोट रिजेक्शन देगा, ये सपोर्ट देगा, मार्केट का ऊपर आराम से जा सकता है, मार्केट अपने बीच में थोड़ा हल्का सा साइडवेज बना के निकल जाए। तो अब मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है आप जरा देखो, ये मार्केट का डबल बॉटम, नीचे बहुत बड़ा सपोर्ट बैठा है, सेलिंग होगी हो जाएगी, लेकिन नीचे सपोर्ट बहुत बड़ा है, इसलिए हम सेलिंग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, मैं बाइंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट के अंदर एक बाइंग आ सकती है, लेकिन बाइंग का सिनेरियो बनेगा तब, बाइंग का सिनेरियो इसके ऊपर बनेगा, इसके ऊपर आप देखते हैं कौन जाके उसके ऊपर बैठता है, राइट है? और अगर मार्केट यहां पर बैठ गया तो क्या 10 और 20 का क्रॉसओवर भी आएगा? यस, आ गया ना, ऐसा भी पॉसिबल होगा। तो सारी चीजें हमारी फिर लाइनअप होनी शुरू, अभी मार्केट का कुछ भी देखो, हमारा एक घंटा निकल चुका है, कोई हमें बाय नहीं दिख रही, जबरदस्ती आप कर सकते थे बाय, नीचे से अगर सेल करते तो आपको नुकसान होता, कहीं फंस सकते थे आप, तो मार्केट को अपना मूव ले लेना, जहां मार्केट एक सपोर्ट पर बैठे अब अपना वर्क शुरू करो, जो भी आप चाहते हो अब अपना कोई भी काम शुरू कर सकते। तो आप मैंने क्या क्या देखना है, क्या निफ्टी सपोर्ट पे आके बैठ गया? यस, कौन सपोर्टिव हो रहा है बताओ इस समय, कौन सपोर्टिव है, निफ्टी या बैंक निफ्टी? निफ्टी सपोर्टिव है, देखो आ गया सपोर्ट पे। अब अगर ये ऊपर दोबारा जाके बैठता है, दोबारा जाके बैठता है तो आपका इसे भी ऊपर लाएगा, और अगर ये इसके ऊपर आता है तो एक सपोर्ट बन जाएगा, मतलब दोनों का सपोर्ट काम, बैंक निफ्टी का यहां पर और निफ्टी का यहां पर, ये सपोर्ट है। पॉइंट बस समझने हैं, मार्केट को कहां पर कैप्चर करना है ये आपको पता होना चाहिए, जहां पर मार्केट को सही तरीके से कैप्चर होना। अब मार्केट को ऐसे बोल सकते हो कि मार्केट ने इस लो को ब्रेक करने की पहली बार कोशिश की, नहीं जा पाया, अब मार्केट दोबारा आ रहा है उसे क्रॉस करने के लिए, ऐसे बोल सकते हो आप? ये भी बोल सकते हो कि आप दोनों सपोर्टिव हैं, आप जरा देखो कि आप दोनों सपोर्टिव चल रहे हैं, हाँ या ना, या एक सपोर्टिव है, दोनों ग्रीन चल रहे हैं, लेकिन अब सपोर्टिव कैसे माने जाएंगे, जैसे इसके ऊपर आएंगे मार्केट सपोर्टिव हो जाएगा। अब मैं वेट कर रहा हूं, यहां पर दोनों के एक साथ चल रहे हैं मार्केट, अभी तक सही है, कभी निफ्टी नीचे चल रहा था, कभी बैंक निफ्टी ऊपर चल रहा था, ऐसे चल रहा था, लेकिन अब दोनों के दोनों ग्रीन है, लेकिन अब मेरे को क्या चाहिए, अब मेरे को चाहिए मार्केट सपोर्ट पे आके बैठ जाए, बस ग्रीन तो है, बस मार्केट सपोर्ट पे बैठ जाए, तब आप अपना कोई कॉल बाय कर सकते हैं, फ्यूचर बाय कर सकते हैं, या कोई स्टॉक बाय कर सकते हैं। अभी कोई स्टॉक भी ऐसा बड़ा मूव नहीं कर रहा होगा, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी डाउन में है, तो मैं नहीं मानता कि कोई बहुत बड़ा स्टॉक बड़े बहुत बड़े मूव पे चल रहा होगा, मार्केट में बैठे होंगे बस अभी स्टॉक एक जगह, जैसे ही मार्केट अभी सपोर्ट पे आएगा तब सारे स्टॉक मूव करना शुरू करेंगे, तब आप किसी स्टॉक पे जा भी सकते हो। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ मार्केट में, देखो अभी कोई सपोर्ट अभी भी डेवलप नहीं हुआ, एक घंटा हो चुका, कोई सपोर्ट डेवलप नहीं है, आप मार्केट का सपोर्ट डेवलप हो जाने दो, राइट है? अभी देखो बैंक निफ्टी भी सपोर्ट पे नहीं है, ना ही निफ्टी सपोर्ट पे, तो हमें वेट करना है और देखना है कि मार्केट करता क्या है। अगर मार्केट सपोर्ट पे जाएगा तब आपका कोई बाय बनेगा, तब तक नहीं है बिल्कुल भी। आपका मार्केट आपको कब बाय देता है ये आपको पता होना बहुत जरूरी है, जबरदस्ती मार्केट के अंदर मूव नहीं लेने मैंने कि कहीं पर भी जहां पर मिले वहां पर बाय ले लो सेल ले लो, नहीं, मार्केट एक सही पोजीशन पे आएगा इसके ऊपर जाना ही चाहिए, एन वेव के ऊपर मार्केट को जाना ही चाहिए, तब जाके मेरा कोई बाय बनेगा। अभी देखो यहां पर कुछ भी नहीं है, ना तो बाय न सेल, कुछ भी नहीं, मार्केट देखो यहां पर सिर्फ डबल बॉटम बना चुका है यहां पर, और अभी मार्केट इसके नीचे नहीं है, ये डबल बॉटम बनाने आया अब जाके बनाने आया ये डबल बॉटम, अभी वेट करना है, वेट वेट एंड वॉच, अभी जबरदस्ती मत करो मार्केट के साथ में, जितना जबरदस्ती करोगे उतना आपको नुकसान पड़ने वाला है, अभी आराम से बैठो, मार्केट को सपोर्ट पे आने दो,
जब मार्केट सपोर्ट पे आए तब अपना कोई कॉल या पुट या जो भी आप लेना चाहते हो तब शुरू करो, तब तक नहीं। इसका डबल बॉटम बन गया है, बैंक निफ्टी का डबल बॉटम बन चुका है, इसका नहीं बना। तो अब अभी वेट करना है कि मार्केट में क्या होता है, थोड़ा सा और वेट करो। मार्केट में 1 घंटा होने को जा रहा है, अभी कोई भी रिएक्शन नहीं दिया मार्केट ने, ना बाय का ना सेल का। अगर मैं यहां से क्लाउड बेस पर बात करता हूं, जैसे हम क्लाउड में काम करते हैं, अगर मैं क्लाउड बेस पर बात करता हूं तो क्लाउड मेरे को क्या बोल रहे हैं, क्लाउड मेरे को अभी बोल रहे हैं, अगर मैं यहां से जाता हूं, मार्केट अपने देखो 1 घंटे का पीवोट गिरा, और यहां पर भी 1 घंटे का पीवोट लगा लीजिए, इसमें भी 1 घंटे का पीवोट आपका ये नीचे बैठा है। तो बैंक निफ्टी का पीवोट का एक सपोर्ट बहुत बड़ा है। वेट करना, अभी थोड़ा सा वेट करो, अभी जबरदस्ती मत जाओ कहीं पर भी। मार्केट अभी कहीं पर भी ना तो बाय ना सेल में कहीं पर भी नहीं है, और मार्केट अपने सपोर्ट पे आने की तैयारी में, थोड़ा सा रुक जाओ। अगर तोड़ेगा तब तो आप सेलिंग में जाना, अभी नहीं। छोटी मोटी सेल कर सकते हो, बड़ी सेल नहीं। छोटी सेल का रीजन क्या है? यस, कोई भी बताए छोटी सेल का रीजन क्या है, क्यों हम छोटी सेल कर सकते हैं? क्योंकि मार्केट अभी नीचे बैठा हुआ है, तो छोटा मोटा सेल आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं बड़ी सेल का एक्सपेक्टेशन करूं तो नहीं होगा, क्योंकि मार्केट अगर इनके ऊपर जाके बैठ गया तो आपको बहुत अच्छा बाय मिल जाएगा अभी का भी, अगर इसके ऊपर जाके बैठेगा तो। अभी थोड़ा सा वेट करना है मार्केट क्या करेगा। छोटा मोटा सेल चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मेरे को नहीं लगता आपको सेल करना चाहिए। मेरे को ऐसा नहीं लगता बिल्कुल भी कि आपको ये सेल करना चाहिए, आपको बाय का वेट करना चाहिए थोड़ा सा, और अगर इसके ऊपर चला जाए मार्केट तो फिर अपनी बाय ले लेना, राइट है? तो ये आपका प्रोसेस है पूरा, एक बार देख लेना इसको आराम से, और जब तक निफ्टी और बैंक निफ्टी बाय में ना जाए तब तक बाय मत लेना, तब तक मार्केट को छोड़े रहना, उसके बाद अब अपनी बाय शुरू करना, राइट है? चलिए मैं क्लास को भी रोकता हूँ यहाँ पर, और फिर मिलेंगे हम लोग।